हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग विद प्ले में आपका वेलकम है। आज हम आपके लिए एक एक्टिविटी लेकर आए हैं। यह एक्टिविटी है वैल्यू काउंटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आज हम बच्चे को वैल्यू काउंटिंग सिखाएंगे। अब वैल्यू काउंटिंग हम उसको यहाँ पे वेजिटेबल के साथ सिखाएंगे, जैसे कि ये एक्टिविटी यहाँ पे इनाया कर रही है। इस एक्टिविटी में हम घर में जो वेजिटेबल्स होंगी उसको लेकर बच्चे को वैल्यू काउंटिंग सिखाएंगे, साथ में उसे वेजिटेबल का आइडेंटिफिकेशन भी कराएंगे और मैचिंग भी कराएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है वैल्यू काउंटिंग का, और वेजिटेबल सभी के पास घर में होते हैं, तो आप इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है और बहुत आसान है, और बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है ऐसी एक्टिविटी करने में। तो चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये वैल्यू काउंटिंग की एक्टिविटी हम कैसे करेंगे। उसमें यहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई है, ये क्या पिक्चर लगी, किसकी पिक्चर लगी है, ये क्या है, ये लेडी फिंगर। तो यहाँ से लेडी फिंगर उठाएंगे और फिर हम लोग वैल्यू काउंटिंग करेंगे। ये कौन सा नंबर है, थ्री। तो फिंगर से पहले थ्री लगाओगे और फिर थ्री यहाँ पे उठा के थ्री रखोगे, ठीक है। वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, वेरी गुड। अब थ्री लेडी फिंगर यहाँ रखेंगे हम लोग, थ्री नंबर की थ्री लेडी फिंगर रखेंगे। पहले ये कम्प्लीट करो, फिर बाद में करना। वन टू थ्री, थ्री लेडी फिंगर कैसे रखेंगे, वन, वेरी गुड, टू, वेरी गुड, थ्री, गुड जॉब। अब यहाँ पे क्या है दूसरा नंबर, सिक्स। अब सिक्स लाइन पहले बनाओ, हाँ बनाओ, वन लाइन, हाँ टू लाइन, फोर लाइन, फाइव लाइन, और वन और बनाओ, हाँ वेरी गुड। अब सिक्स लेडी फिंगर वहां से लाएंगे, रखेंगे, लेडी फिंगर निकालेंगे, लेडी फिंगर, वन टू थ्री फोर, फिर ढूंढो, फाइव, फाइव और सिक्स, गुड जॉब। ठीक है, ये क्या है, टोमेटो, टोमेटो, कितने टोमेटो, वन राइट, टू राइट, थ्री राइट, थ्री टोमेटो। तो इसमें कितने टोमेटो रखेंगे, वन टू थ्री, फिर नेक्स्ट वन, वन, वन टोमेटो, वन टोमेटो, वन टू, टू टोमेटो, टू रखो, टू, वन ही तो रखा तुमने, टू रखने थे ना, एक और रखो, वन टू, गुड जॉब। अभी तो इस तरह से आपने देखा होगा कि ये वैल्यू काउंटिंग हम कितनी इसमें इससे अच्छी तरह से बच्चा वैल्यू काउंटिंग भी कर रहा है, और साथ में वो पिक्चर के साथ मैच करके वेजिटेबल का आइडेंटिफिकेशन भी कर रहा है। तो इस तरीके से हम बच्चे को वैल्यू काउंटिंग अच्छे से सिखा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जब हम लोग वैल्यू काउंटिंग सिखाना शुरू करते हैं तो हम बच्चे को या तो स्टिक से सिखाते हैं या फिर कुछ ब्लॉक से सिखाते हैं। पर वैल्यू काउंटिंग का मतलब है कि बच्चे को हर चीज़ की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, कि अगर हम वेजिटेबल है तो अगर हमें फाइव वेजिटेबल चाहिए कोई भी, तो वो किस तरह से काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम अगर वैल्यू काउंटिंग सिखाते हैं तो बच्चे को ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। फाइव, वन, हाँ करो, वन लाइन, और फाइव चिलियां रखेंगे, थ्री फोर फाइव, अब नेक्स्ट, हाँ वन टू थ्री फोर, हाँ तो फोर का फोर चिली, फोर, गुड। तो ये वैल्यू काउंटिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से हम बच्चे को वैल्यू काउंटिंग सिखा सकते हैं, और वेजिटेबल सबके पास होती है, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे मैंने पेपर्स में अलग अलग जो भी वेजिटेबल्स थे उसके पिक्चर को पेस्ट कर दिया है, उसके संग बच्चे ने जब मैचिंग की तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है, वैल्यू काउंटिंग भी हो रही है, साथ में जब बच्चे ने यहाँ पे वैल्यू काउंटिंग की तो उसने सॉर्टिंग भी करी है। तो यहाँ पे थ्री एक्टिविटी हो रही है। मैंने क्या किया था, पहले सारे वेजिटेबल इस एक बड़े बोल में रखा था, जो कि इनाया ने अलग अलग करके सबको अलग अलग प्लेट्स में किया। तो ये वैल्यू काउंटिंग के संग यहाँ पे सॉर्टिंग भी हो रही है और आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है। ये एक अच्छा तरीका है, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।